हेलो गाइस, आई एम अली खान और आप देख रहे हैं अली खान ब्लॉग। गाइस, आपने थंबनेल में तो देख लिया ही होगा कि आज मैं तीन ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ व्यूज इंक्रीज करने की। गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था व्यूज और सब्सक्राइबर्स किस तरीके से इंक्रीज होते हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने बिल्कुल डिटेल में बनाई है। आप देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वरना आपको कुछ भी समझ आने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं भी जब आप लोगों की तरह नया नया यूट्यूब पर आया था तो मैं भी ये सोचता था कैसे होता है सब, कैसे मेरे व्यूज गेन होंगे, मेरे कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मैं इसी सोच में पड़ा रहता था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना मेरे भाई। जिस तरह हम गेम में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसी तरह हम यूट्यूब पे भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलो भाई लोग, एक लंबी गहरी सांस ले लो और अपने दिल पे हाथ रख लो, क्योंकि आने वाला है वो शाहकार जिसका आपको है काफ़ी देर से इंतज़ार। चलो भाई लोग, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है। सबसे पहले मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आपका यूट्यूब चैनल कितना ओल्ड है, फिर आपको वीडियो एंड तक देखनी है। जब मैं YouTube पे नया आया था तो मैं यही बात सोचता रहता था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैं सोचता था कि किसी बड़े यूट्यूबर की तरह वीडियो बना लूं, बड़े यूट्यूबर या कोई ऐसी वीडियो जो वायरल हो रही हो मैं उसकी कॉपी कर लूं। लेकिन कॉपी करना मसले का हल नहीं है, आपको अपने कंटेंट पे फोकस रखना होगा, वीडियो ऐसी बनाएं कि लोगों की अटेंशन मिले आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेन पॉइंट की तरफ तो आ ही नहीं रहा, लेकिन सबर सबर वहीं जा रहा हूँ। भाई को एक लाइक तो मार दो। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह आपके लाइक्स भी बढ़ेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं YT स्टूडियो की तरफ। ये वीडियोस मेरी पुरानी हैं, लेकिन आज भी व्यूज आते रहते हैं इन वीडियोस पर। मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं करी थी, लेकिन मेरी जो ये वाली वीडियोस हैं इन पे व्यूज़ आज भी आते रहते हैं। कहने का मतलब यही है कि आपको कंटेंट ऐसा रखना है कि उसके ऊपर व्यूज़ आते रहें। कहने का मतलब ये है कि आप अपने YT स्टूडियो में जाके चेक करें, जिसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उसी वीडियो के रिलेटेड आप कोई वीडियो बनाएं। लेकिन वीडियो ऐसी मत बनाएं कि बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए, तो इस वजह से रिकॉन्टेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वीडियो ड्यूरेशन 6 मिनट्स है आपकी, उसकी एवरेज व्यूज़ ड्यूरेशंस 254 आते हैं। इसका मतलब है आपकी वीडियो अच्छी है, 248 भी अच्छा माना जाता है YouTube की तरफ से। कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर 6 मिनट की वीडियो है तो उसको 3 मिनट तक ऐसा बनाएं कि लोग उसे खुद देखें। अगर आप YouTube पे नए हो तो आपको YT स्टूडियो पे चेक करना चाहिए कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। अगर YouTube सर्च से आ रहा है फिर तो वेल एंड गुड हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे YouTube सर्च ट्रैफिक किस तरीके से आएगा, तो वो मैं आपको फुल डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।